अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैवल ग्रो की एक और वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद बनारस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सऊदी अरब के हवाले से है। एक अपडेट आई है, बिल्कुल वही हुआ है जिसका डर था, जिसका पाकिस्तानियों के और दूसरों जो बंगाली इंडियन जितने भी मतलब सऊदी अरब में लोग मौजूद हैं उनके जहन में एक खदशा था कि शायद दोबारा से ना कोई पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाए, फ्लाइट्स का कोई मसला ना बन जाए। तो फिलहाल एक अपडेट आई है जो फ्लैट्स के मुतल्लिक तो नहीं, लेकिन ये है कि 30 दिसंबर से दोबारा से एक नया कानून लागू किया गया जिसमें आपको मास्क भी लगाना ज़रूरी है और समाजी फासला रखना भी ज़रूरी हो गया है। अगर आप समाजी फासला नहीं रखेंगे चलते हुए भीड़ भाड़ वाली जगह में, सियाही मुकामात पे, मॉल्स वगैरह में, कहीं पे भी आप समाजी फासला नहीं रखेंगे या मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको 1000 का जुर्माना दोबारा से हो सकता है अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये 30 दिसंबर के बाद से लागू हुआ है, इससे पहले ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। समाजी फासले भी ख़त्म कर दिए गए थे और मास्क का इस्तेमाल भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। हालात बिल्कुल नॉर्मल बताए जा रहे थे, लेकिन अब अचानक से कहा यह जा रहा है कि जो कोरोना केसेज़ हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है और जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है उसका भी इजाफ़ा हो रहा है, तो उस वजह से दोबारा से ये पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी गई हैं। अब एक और सवाल आवाम के जहन में है कि फ़्लाइट्स की बंदिश के हवाले से तो कोई अपडेट आई है या नहीं। तो फ़िलहाल दोस्तों ऐसी कोई अपडेट नहीं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई अपडेट आए भी ना और फ़्लाइट्स यूँ ही बहाल रहे। लेकिन अगर उदान हादसा कोई ऐसी पाबंदी लगी तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को ज़रूर जो है सबसे पहले आगाह किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी अपडेट आप दोस्तों के लिए अच्छी रही होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि जिन दोस्तों को अपडेट के बारे में इल्म ना हो उनको भी इल्म हो सके। तो मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।